नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और मैं बनाने सिखा रहा हूँ आपको पीनट चटनी, यानी कि ये जो मूंगफली है इसकी चटनी बनाएंगे। फिर आप चाहें तो पकोड़े के साथ खाएं या किसी भी स्नैक के साथ खाएं। तो सबसे पहले किन किन चीज़ों की आवश्यकता है पीनट चटनी बनाने के लिए, यहाँ पे मेरे पास पीनट्स हैं। तो ये एक कप पीनट्स ले, 8 से 10 आंध्रा चिली, आंध्रा में ज़्यादा यूज़ होती है ये चिली, रेड चिली, सो 8 से 10 आंध्रा चिली ले। 1 टेबलस्पून इमली का पल्प यानी टैमरिन पल्प, 1 प्याज, 1/4 छोटा चम्मच हींग, 10 से 12 गार्लिक की कलियां जो बारीक चॉप की हो, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और पकाने के लिए तेल। तो सबसे पहले क्या करना है, ये एक कढ़ाई या वॉक गर्म करने रख देते हैं और इसके साथ साथ इसमें डालेंगे तेल। 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिए इसमें और ये जो प्याज है इसे चॉप कर लेते हैं जब तक तेल गर्म होता है। प्याज बारीक चॉप कर लिए, तेल जो है गर्म हो गया, इसमें डाल लेते हैं लहसुन। लहसुन को हल्का सा ब्राउन करना है और इसके साथ साथ मिर्चें, ये होल चिलीज, ये डाल लेते हैं इसमें। लहसुन जो है हल्का सा ब्राउन हो गया, इसमें ये कटा हुआ प्याज। अब प्याज को हल्का सा भूनना है और साथ ही साथ ब्राउन करना है, कच्चा नहीं रखना है, क्योंकि आपने यदि ये चटनी जो बनाई है इसे ज़्यादा समय तक रखनी है फ्रिज में तो प्याज को अच्छी तरह से भूनना पड़ेगा, ब्राउन करना पड़ेगा ताकि उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाए। देखिए प्याज भी हल्का सा भून रहा है। अब एक चीज़ मैं डाल लेता हूँ, 1/4 छोटा चम्मच हींग। अच्छा, हींग जो है हिंदुस्तानी खाने में कई बार पहले डाली जाती है और कई बार बाद में, जब तेल ज़्यादा हो या कुछ चीज़ें भूननी हो तो हींग पहले डालना अवॉइड करें, ऐसे समय में डालें जैसे मैंने डाली, ताकि हींग का जो फ्लेवर है वो बाद तक मिले आपको। तो ये प्याज ब्राउन हो गया और मैं जो आँच है उसे धीमे कर लेता हूँ। अब ये जो पीनट्स है ये इसमें डाल लिए, साथ ही साथ डालेंगे इसमें हल्दी और नमक स्वाद अनुसार और 1 बड़ा चम्मच इमली का पेस्ट। इसे कर लेते हैं बंद। अब इस मिक्सचर को एक ब्लेंडर में डाल के पीस लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे साथ साथ, बहुत थोड़ा पानी इसमें, और तो ये काफी गाढ़ी सी चटनी है और पीनट चटनी जो है वो पूरी पेस्ट नहीं होती, थोड़ी सी दरदरापन रहता है इसमें, इसलिए मिक्सी में बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डाल सकते और बार बार खोल के इसे मिक्स करना होता है। इसे मैं इस बोल में निकाल लेता हूँ। ये देखिए काफ़ी सारा दरदरा सा ये पेस्ट है, मतलब ये जो चटनी बनाई है दरदरी सी। अब ये जो सारी चटनी पिस गई है इसे मैं फिर से जिस कढ़ाई में हमने भूना था उसी में वापस डाल लेता हूँ ये सारा मिक्सचर। ये
ये चटनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आप देख रहे हैं कि चटनी कितनी गाढ़ी है और दरदरापन इसमें काफ़ी है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। साथ ही साथ टेस्ट भी कर लेता हूं मैं। इसमें थोड़ी सी खटास होनी चाहिए, नमक तो होना ही चाहिए, लेकिन खटास जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो चेक कर लें जब भी आप चटनी इस तरह से वापस पका रहे हैं। बिल्कुल सही खट्टापन है इसमें। अच्छा, देखना ये है कि इमली का पेस्ट जब भी किसी रेसिपी में हो तो ध्यान में रहें, यहाँ जो इमली का पेस्ट है वो काफ़ी गाढ़ा है, इसलिए एक बड़ा चम्मच अगर हमने कहा है तो इस तरह से गाढ़ा इमली का पेस्ट होना चाहिए, ना कि पतला सा जो घर में हम जनरली बनाते। गाढ़ा इमली का पेस्ट एक बड़ा चम्मच वो इसमें डालिएगा और ये चटनी तैयार है। आप इसी तरह से बनाएं और इसका मज़ा लें किसी भी स्नैक्स के साथ।